दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा महाराष्ट्र में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टूर सर्किट शुरू किया गया। इस टूर सर्किट में नागपुर जिले के 4 पर्यटन स्थल भी शामिल है, जल्द ही ये पर्यटकों के लिए उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार के पर्यटन निदेशालय एवं जिला प्रशासन नागपुर के माध्यम से दीक्षा भूमि में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य स्तर पर मुख्य कार्यक्रम फाइन आर्ट सोसाइटी चैम्बूर में आयोजित किया गया था। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा आदि मौजूद रहे। नागपुर जिले में दीक्षा भूमि चिंचोली में शांतिवन, कामठी में ड्रैगन पैलेस और कामठी क्षेत्र में बौद्ध धर्म संस्थान को टूर सर्किट में पर्यटन स्थल के तौर पर शामिल किया गया है। इस संबंध में पर्यटन निदेशालय के माध्यम से जल्द ही कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी और यह सुविधा पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों, विद्वानों और पर्यटकों के लिए बहुत ही मामूली दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। महाराष्ट्र में उक्त कार्यक्रम नासिक, कोंकण में महान, पुणे के अलावा दीक्षा भूमि नागपुर में लाइव दिखाया गया। लेकरांनो, मी गेले, मी गेल्यानंतर साहेब खूप खचले, दुःखी झाले, पण तुमच्या काळजीनं नव्या जोमाने उठून उभे राहिले, त्यांना तुमची काळजी होती। मी नागपूरच्या जनतेच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री असतील, माननीय उपमुख्यमंत्री असतील आणि या विभागाचे मंत्री माननीय लोढाजी असतील या सगळ्यांना मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि विशेषतः या विभागाचे जे अधिकारी आहेत ज्यांनी सुमोटो हा विषय आणून किमान नागपूरच्या नागरिकांकरता किंवा विदर्भातल्या नागरिकांकरता या 4 जागा आहेत ज्या फार महत्त्वाच्या पुण्यवान जागा जिथे परमपूजनीय बाबासाहेबांचा वास आहे, त्यांनी त्या जागेंना दिलेला आशीर्वाद आहे, त्यामुळे या 4 महत्त्वाच्या जागा बघण्याकरता एक नवीन उपक्रम 3, 4, 7, 8 या दिवशी इथून होणार आहे। याचा फायदा, त्याचा उपभोग आपण सगळ्यांनी नागपूर शहरातल्या सर्व नागरिकांना घ्यावा असं मी आवाहन करतो आणि विशेषतः मी या विभागाला विनंती करतो की नागपूर महानगरपालिकेसोबत एक बस त्यांनी आरक्षित करून हा रोज करावा, म्हणजे फक्त 3, 4, 7, 8 करू नये, तर तो वर्षभर करावा आणि त्याला रिस्पॉन्स मिळेल असा मला विश्वास आहे। महानगरपालिकेतर्फे जी काही मदत लागणार असेल ती माझ्यासारखे कार्यकर्ते आहेत, आमच्या ताई समोर बसल्यात, त्या मदत करतीलच आणि एक निश्चित चांगला उपक्रम या विभागाकरते सुरू होतो आहे, त्याला मी शुभेच्छा देतो। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने संबोधन में कहा कि महाराष्ट्र में जिस जिस जगह डॉक्टर अंबेडकर द्वारा क्रांति आई, लोगों को प्रेरणा मिली, उन सभी जगहों पर अनुयायियों, पर्यटकों, अभ्यासक पहुंच सके, इसी सोच के उक्त टूर सर्किट तैयार किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार चैत्य भूमि में विश्व स्तरीय स्मारक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टूर सर्किट तयार करण्यात आलेले आहे, यात नागपूर विभागाचाही समावेश करण्यात आला असून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांशी संबंधित 4 स्थळांचा समावेश यामध्ये करण्यात आलेला आहे। ही नागपूरकरांसाठी अत्यंत आनंददायी बाब आहे। यात दीक्षाभूमी, शांतिवन चिंचोली तालुका जिल्हा नागपूर, ड्रॅगन पॅलेस तालुका कामठी जिल्हा नागपूर, तसेच नागलोक इन्स्टिट्यूट ऑफ बुद्धिझम तालुका कामठी जिल्हा नागपूर यांचा समावेश आहे। यापुढे टूर सर्किटच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेबांशी संबंधित स्थळांचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार व प्रसार करण्यात येणार आहे। सदर टूर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दीक्षाभूमी येथून दिनांक 3 व 4 डिसेंबर आणि 7 व 8 डिसेंबर 2022 रोजी एक दिवसीय सहल, निःशुल्क सहल म्हणून सुरू करण्यात येणार आहे। कार्यक्रम की सफलता के लिए पर्यटन संचालनालय के उपसंचालक प्रशांत सवाई के मार्गदर्शन में पर्यटन संचालन अधिकारी सुधीर इतालकर, इंजीनियर पंकज पांडावड़े, पर्यटन विभाग के कर्मचारी आदि प्रयासरत है। संचालन श्रद्धा भारद्वाज और आभा प्रदर्शन पांडावड़े ने किया। नागपुर से BCN न्यूज के लिए अभिषेक पांसी के साथ राजकुमार मोहड़ की रिपोर्ट।